जनता दल का जन्म ही हुआ था लालू विरोध की राजनीति को लेकर। 94 में जब नीतीश जी अलग हुए थे तो मुद्दा क्या था, और 17 साल जब हमारे साथ रहे तो मुद्दा क्या था, मुद्दा तो यही था लालू विरोध की राजनीति। ये नीतीश कुमार 2005 वाले नीतीश कुमार नहीं है, 15 वाले नहीं है, ये 2023 है। बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, पार्टी पर से पकड़ खत्म हो गई है, 45 विधायक बचे हैं उनके पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन, मैं आपके साथ अभय सिंह। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी एक नई पार्टी बनाई है, राष्ट्रीय लोक जनता दल, और वहीं बात करें तो आज उन्होंने जनता दल यूनाइटेड से भी इस्तीफा दे दिया है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ है बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। सर, उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी बनाया है। देखिए, ये तो होना ही था, और जनता दल में विद्रोह की पहली आग सुलग चुकी है, टूट का सिलसिला प्रारंभ हो गया और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। क्योंकि देखिए, कोई भी जनता दल युग का कार्यकर्ता, MLA, MP, ये कभी भी लालू परिवार के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं कर सकता है। जनता दल युग का जन्म ही हुआ था लालू विरोध की राजनीति को लेकर। 94 में जब नीतीश जी अलग हुए थे तो मुद्दा क्या था, और 17 साल जब हमारे साथ रहे तो मुद्दा क्या था, मुद्दा तो यही था लालू विरोध की राजनीति। और आज आपने हाथ मिला लिया तो क्या उनके MLA भी हाथ मिला लेंगे? आपने बिना MLA को विश्वास मिली है ये घोषणा कर दिया। और ललन जी कह रहे हैं कि 2025 में देखा जाएगा। अरे भाई, तो घोषणा क्यों की आज? घोषणा तो आज आपने किया, आज से 3 महीने पहले नीतीश जी ने घोषणा कर दिया। वो घोषणा तो करना ही था, अगर घोषणा नहीं करते तो मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रह सकते थे। क्योंकि यही समझौता था कि 2023 के प्रारंभ में वो मुख्यमंत्री बना देंगे तेजस्वी यादव को, और खुद त्यागपत्र देकर केंद्र की राजनीति करेंगे। अब फिर पलट गए एक बार, तो आप पलट सकते हैं, लेकिन जो जनता दल यू का वर्कर है, कार्यकर्ता है, वो देख रहा है कि किस तरह से नीतीश कुमार डमी मुख्यमंत्री रह गए, पूरी तौर पर वो जनता, राष्ट्रीय जनता दल के गिरफ्त में चले गए। और इसलिए आज न कल वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं डर के मारे कि मेमोरी चली जाएगी। तो बिहार का अति पिछड़ा समाज, लौकु समाज, ये लालू परिवार के किसी भी व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा ने विद्रोह कर दिया, नई पार्टी बना लिया। अभी आगे देखिए और क्या क्या होता है। लेकिन ललन सिंह कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने से जदयू का कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए, वो तो जाने से होगा कि नहीं होगा तो भविष्य बताएगा। तो अगर वो ताकतवर नहीं तो अपने पार्टी में लाए क्यों, तीसरी बार क्यों लेकर आए? उनमें दम था, ताकत थी, तब ने अपने उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया, अपने उनको MLC बनाया। तो कोई भी व्यक्ति जाता तो यही ना कहता कि उसके जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ये नीतीश कुमार 2005 वाले नीतीश कुमार नहीं है, 15 वाले नहीं है, ये 2023 है। बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, पार्टी पर से पकड़ खत्म हो गई है, 45 विधायक बचे हैं उनके पास, इसलिए वो पार्टी संभाल नहीं पाएंगे। ना बिहार संभाल पा रहे हैं, ना पार्टी संभाल पाएंगे। इस पार्टी का आगे विघटन होना तय है, और इस पार्टी का मर्जर भी होना तय है। भले ललन सिंह आज कुछ भी बोले, लेकिन लिख लीजिए आप कि आज न कल जनता दल यू का राष्ट्रीय जनता दल में विलय होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, ललन सिंह बोल रहे हैं कि नहीं मर्ज होगा, यह पार्टी जनता दल रहेगा। जनता दल यू को पलटने में कितना समय लगता है, यही तो नीतीश कुमार ना कहे थे कि मर जाऊँगा, लेकिन RSS से हाथ नहीं मिलाऊंगा। हाथ मिला लिए कि नहीं मिला लिए, फिर कह रहे हैं। इनको पलटने में कितना समय लगता है, इनको तो 1 मिनट समय लगता है पलटने में, फिर पलट जाएंगे। आज विद्रोह रोकने के लिए ये बयान दे रहे हैं, लेकिन बताएं कि नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं कहा कि तेजस्वी यादव हमारे उत्तराधिकारी होंगे? तो ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ, कोई पार्टी अपने पार्टी के नेता को उत्तराधिकारी बनाने के बजाय दूसरे पार्टी के व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना रहा है। तो इनकी पार्टी का क्या होगा, इनकी पार्टी तो खत्म हो जाएगी, थोड़ी ललन सिंह चला पाएंगे पार्टी को। लेकिन सर, उपेंद्र कुशवाहा एक बात कहते हैं, हर एक बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने इर्द गिर्द लोगों से घिरे हुए हैं और उनकी बात सुनते हैं, अब वो अपना डिसीजन नहीं ले पाते। अब इसका जवाब तो वही देंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी देंगे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। कल तक उपेंद्र कुशवाहा जी जनता दल यू में थे, उनके पार्टी का आंतरिक मामला है, तो इस पर मैं कोई टिका टिप्पणी नहीं करूँगा। जो कह रहे हैं उपेंद्र जी तो वो रहे हैं पार्टी में, देख रहे होंगे तो इसलिए कह रहे होंगे, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। सर, कल नीतीश कुमार कहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 100 से नीचे सीट बीजेपी को मिलेंगे, इस पर क्यों 100 कहिए कि बीजेपी को सुने पर वोट कर देंगे? अरे बोलने में क्या लगता है, केवल जीभ को ही लपलपाना है ना। तो जो व्यक्ति अपने बलबूते पर 2 सीट नहीं जीत सकता बिहार में, जो व्यक्ति अपने बलबूते बिहार में कभी मुख्यमंत्री नहीं बना, हमेशा कभी बीजेपी कभी RJD की बैसाखी पर बना, वो बीजेपी को 100 से नीचे लाने की बात कर रहा है, तो बोलने में क्या लगता है?
आपको मुबारक हो, लाइए बीजेपी को, देख लेंगे, आपको भी देख लेंगे कि 2024 में आपको कितनी सीट आती है, आपको दो सीट भी आती कि नहीं आती है बिहार के अंदर। सर एक लास्ट सवाल रहेगा, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा अपने नए पार्टी बना लिए हैं, तो क्या आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ आ सकते हैं? नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्या उनकी रणनीति है तो वही बता पाएंगे, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। ऐसे तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।